नमस्कार दोस्तों, मैं एसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बी ऑनलाइन क्लासेस में। उत्तरी विंध्य क्षेत्र का इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो लेखिया पुरास्थल तथा चोपनी मांडो है। देखिए, लेखिया पुरास्थल जो है, लेखिया लेखिया पुरास्थल, तो इसके जो खोजकर्ता हैं या यहाँ कहें जो उत्खनन कराया गया, जिनके द्वारा उत्खनन कराया गया, तो जीरी आर शर्मा के निर्देशन में, वहाँ के निर्देशन में बीडी मिश्रा द्वारा उत्खनन किया गया है। देखिए, इनका ध्यान दीजिएगा, इनका निर्देशन रहेगा, निर्देशन तथा उत्खननकर्ता, उत्खनन करता निर्देशक कौन थे? जी आर शर्मा थे तथा उत्खनन कौन करता थे? बी डी मिश्रा थे। इनका पूरा नाम विद्याधर मिश्रा है। और यहाँ से जो शिलान्यास प्राप्त या शिलाश्रय प्राप्त हुए थे, वो 5 शिलाश्रय प्राप्त हुए थे। शिलाश्रय मतलब जहाँ आदि मानव निवास करते थे। तो कितने? 5 शिलाश्रय प्राप्त हुए थे, जिसमें से 4 शिलाश्रय चित्रकारी युक्त थे या चित्रयुक्त थे, मतलब आदि मानवों ने वहाँ पे कोई ना कोई चित्र बनाया हुआ था। इनमें से 2 शिलाश्रयों का चयन किया गया उत्खनन के लिए। कितने का? 2 शिलाश्रय का चयन जी आर शर्मा द्वारा किया गया उत्खनन के लिए। क्या? लेखिया पुरास्थल जी आर शर्मा के निर्देशन में बी डी मिश्रा द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया था। यहाँ से 5 शिलाश्रय थे, जिनमें से 4 शिलाश्रय चित्रकारी युक्त थे और इनमें से 2 शिलाश्रयों पर उत्खनन के लिए चुनाव किया गया था। शिलाश्रय संख्या 1, शिलाश्रय संख्या 1 जहाँ पर उत्खनन किया गया था, तो यहाँ पे 6.20 × 3.10 मीटर की खंती डाली गई थी। खंती मतलब उत्खनन करने के एक तरीका होता है, जहाँ पे ऐसे मतलब गोलाई में अंदर खंती मतलब खुदाई करते हैं, तो उसे खंती का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे कितने की? 6.20 × 10.10 मीटर की खंती डाली गई की खंती डाली गई और यहाँ से कितने मोटाई का? 48 सेंटीमीटर, जहाँ से 48 सेंटीमीटर का मध्य पाषाणिक जमाव की प्राप्ति हुई। तो शिलाश्रय संख्या 1 में 6.20 × 3.10 मीटर की खंती डाली गई, जहाँ से 48 सेंटीमीटर मोटा जमाव प्राप्त हुआ। और इस दूसरे शिलाश्रय कौन था? शिलाश्रय संख्या 2, जो शिलाश्रयों की चयन किया गया था ना उत्खनन के लिए, शिलाश्रय संख्या 2, यहाँ पे कितने की खंती डाली गई थी? तो यहाँ पे खंती डाली गई 7×3 मीटर की। ये गोलाई या व्यास या गहराई है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई की खंती है। और यहाँ से 1.10 सेंटीमीटर मोटा मध्य पाषाणिक जमाव हमें प्राप्त होता है। 2 शिलाश्रयों की उत्खनन के लिए चुना गया था, उत्खनन के लिए 2 शिलाश्रय चुना गया, शिलाश्रय संख्या 1, शिलाश्रय संख्या 2। शिलाश्रय संख्या 1 में 6.20 × 3.10 मीटर की खंती डाली गई, जहाँ से 48 सेंटीमीटर मध्य पाषाणिक जमाव प्राप्त हुए। शिलाश्रय संख्या 2 में 7×3 मीटर की एक खंती डाली गई, जिसमें हमें 1.0 मीटर की मध्य पाषाणिक जमाव की प्राप्ति होती है। देखिए, अब इन दोनों के जो जमाव स्तर रहते हैं, इन्हीं जमाव स्तरों पर की बात करें, तो इनके रंग आकार तथा इनके संरचना या जमाव की समय के आधार पर हम इन्हें 9 विभिन्न स्तरों में बांटते हैं।
रंग तथा संरचना के आधार पर, रंग तथा संरचना के आधार पर 9 स्तर में विभाजित करते हैं, जिनमें से ऊपरी आठ स्तरों से मध्य पाषाणिक पूरा अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से रंग या उसके आधार पर इनके जमाओं को 9 विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जहाँ से हमें 8 स्तरों में ऊपरी आठ स्तर में मध्य पाषाणिक उपकरण में प्राप्त होते हैं, जिनके और जो यहाँ से मध्य पाषाणिक पूरा अवशेष पूरा देखिए औजार प्राप्त हुए हैं, इनके आधार पर इन आकारों के आधार पर इनके कालों को 4 भागों में बांटा जाता है, इन उपकरणों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो यहाँ से 8 लेयर्स से जो हमें उपकरण प्राप्त हुए थे, इनको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। आइए एक एक भागों की बात करें। तो जो पहला भाग होगा अजमिति थ्री मृद भांड रहित उपकरण ज्यामिति मृद भांड रहित उपकरण ज्यामिति मृद भांड सहित उपकरण, और चौथा नंबर कौन सा है, लघुतर ज्यामिति मृदभांड सहित लघु पाषाण उपकरण, लघुतर ज्यामिति मृदभांड सहित लघु पाषाण उपकरण यहाँ पर रहेगा या उपकरण, ठीक है, मध्य पाषाण काल है तो लघु उपकरण ही प्राप्त होगा, इतना तो आपको ही पता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं 4 भागों के आधार पर उपकरणों को बांटा गया था। देखिए जो पहला है अजमिति मृदभांड रहित उपकरण, ये उस शुरुआती दौर को बताता है जब आदिमानव के उपकरण एक निश्चित आकार या आकृति के नहीं थे, या एक निश्चित अनुपात या एक जमित में नहीं होते थे, त्रिभुजाकार हैं, सबलंबकार हैं, चतुर्भुजकार हैं तथा मृदभांड रहित थे, मतलब उस टाइम इनको मृदभांड का भी निर्माण नहीं करते थे, वहाँ से मृदभांड भी इनके साथ साथ नहीं प्राप्त, मतलब कि वहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वहाँ पर मृदभांड नहीं मिले हैं तथा जो उपकरण प्राप्त हुए अजमित आकार के हैं। और जो दूसरा है ये तब का है जब जब आदिमानव अपने उपकरणों का निर्माण एक निश्चित ज्यामिति में करने लगा था, मतलब त्रिभुजाकार, समलंबकार, चतुर्भुजाकार, इन आकारों में करने लगा था, लेकिन मृदभांड यहाँ से भी हमको नहीं प्राप्त होता है। और जब अब ज्यामिति का निर्माण करता है ज्यामितकार ही करेगा। जो तीसरा है इसमें जर्मित मृदभांड सहित उपकरण, मतलब यहाँ तो एक तो ज्यामितकार उपकरण लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, उनके साथ साथ हमें यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से साथ साथ हमको मिलता है मृदभांड भी हमको तीसरे वहाँ से मिलने लगता है। और जो चौथा है लघुतर ज्यामित मृदभांड सहित उपकरण, तो इस समय क्या होता है ये लगभग आप आएंगे तो उच्च विकसित मध्य पाषाण काल की बात होगी या आदि नव पाषाण काल की बात करें, कि जब उपकरण और भी ज्यादा छोटे होने लगे थे तथा मृदभांड सहित थे और ये जमित के आकार में थे। और यहाँ से जो हाथ से बने मिट्टी के बर्तन को भी लोग उपयोग करने लगे थे, और शिलाश्रय एक से एक और महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है, कहाँ से, शिलाश्रय संख्या 1 से क्या प्राप्त हुआ है, 17 कंकाल प्राप्त हुए हैं, 17 कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जो है 13 का जेंडर पहचाना गया है या 13 का जेंडर डिफाइन किया गया है, 13 का लिंग पता चला है,
जिसमें से 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं थीं। और इनका जो दफनाने की प्रक्रिया थी तो सर पश्चिम दिशा में तथा पैर पूर्व दिशा में होता था। सर पश्चिम दिशा में, पैर पूर्व दिशा में होता था। तथा यहाँ से हमें और एक चीज़ प्राप्त हुआ है, उस शीशों के मामले में की बात करें तो यहाँ से हमें क्या, पशुओं का जबड़ा हिरण की सींग भैंसे की पसली घोघा की राख घोघा की राख प्राप्त हुई है। तो शिलाश्रय एक से हमें क्या मिलता है तो 17 कंकाल मिलते हैं, जहाँ से 13 का लिंग पता चलता है जिसमें 10 पुरुष 3 महिलाएं थी। इनका सर पश्चिम तरफ की दिशा में तथा पैर पूर्व की दिशा में करके दफनाया गया था। और जो हमें हंस प्राप्त होती है जहाँ से हमें पशुओं का जबड़ा हिरण की सींग तथा घोंघा तथा भैंसे की पसलियाँ प्राप्त होती हैं। और इनकी 2 कार्बन डेटिंग की गई है, कहाँ की लिखिया हुआ पुरास्थल की 2 कार्बन डेटिंग की गई है, जिसमें से जो कार्बन डेटिंग आई है एक आई है 1710 प्लस माइनस 110 और जो दूसरी आई है 2410 प्लस माइनस 115 ईसा पूर्व की 2 डेटिंगें निकल करके आई हैं। 1710 प्लस माइनस 110 और 2410 प्लस माइनस 115 की 2 कार्बन डेटिंग निकाली गई है। किस क्षेत्र की लिखी है, पुरास्थल की। अब आइए बात करते हैं चोपनी मांडो की। तो चोपनी मांडो कहाँ स्थित है, चोपनी मांडो इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित पुरास्थल है। चोपनी मांडो ये कहाँ स्थित है, इलाहाबाद के, इलाहाबाद के कहाँ, मेजा तहसील। इलाहाबाद से करीब 77 किलोमीटर दूरी पूरा स्थल पड़ता है। और इसकी खोज 1967 में की गई थी, 1967 में खोजा गया था किसके द्वारा, बीडी मिश्रा, विद्याधर मिश्रा। लेकिन उत्खनन कार्य 1978 से लेकर 1979 हुआ, फिर 81 से लेकर 82 के बीच हुआ, किसके द्वारा, जीआर शर्मा के द्वारा। 1978 से लेकर 1979 तक तथा 1981 से लेकर 82 तक किसके द्वारा हुआ, जी आर शर्मा के द्वारा हुआ। क्या उत्खनन खोजा गया बी डी मिश्रा द्वारा, उत्खनन कार्य किया गया जी आर शर्मा के द्वारा। और इस पुरास्थल की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसके पुरास्थल की जो क्षेत्रफल है ये 1500 वर्ग मीटर है। पूर्व से पश्चिम जिसकी लंबाई है 150 मीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो इसकी है वो कितना है, 100 मीटर है। ये इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें खंथियाँ डाल के उत्खनन, तो खंथियों द्वारा ही ज़्यादातर किया गया है। तो यहाँ पे 5x5 यानी 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा की 21 खंथियाँ डाली गई थी। कितनी खंथियाँ, 5x5 मीटर की 21 खंथी डाली गई थी। और लगभग लगभग सभी का जो उत्खनन कार्य हुआ है वो मतलब गहराई में बात करें तो 20 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक हुआ है। केवल 2 उत्खनन ऐसे हुए हैं, 2 खंथियों के उत्खनन ऐसे हुए हैं जिनका उत्खनन हुआ कितने तक, 60.85 सेंटीमीटर तक उत्खनन किया गया है केवल किसकी, 2 खंथियों की। किस में से 2 खंथियाँ ऐसी भी रहीं। और एक NH1 नाम से
एक एनएचवन नाम से एनएचवन नाम से खनती थी जिसका उत्खनन आधारशिला तक किया गया था। आधारशिला तक उत्खनन किया गया था और जहां से हमें 1.50 मीटर मोटा मध्य पाषाणी जमाव की प्राप्ति हुई थी। अब इनके जो है से उपकरण प्राप्त हुए से यहाँ से मध्य जाप पाषाणिक उपकरण, उसके बाद झोपड़ियों के साक्ष भी मिलते हैं, झोपड़ियों कई कई आकार में झोपड़ियाँ उपकरण तथा कुछ छोटे उपकरण बड़े उपकरण आदि जो प्राप्त होते हैं इनके आधार पर हमें देखेंगे इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया था। मध्य पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड करते हैं तो जो पहला है मध्य पाषाण काल, इसको जो है तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला है अनुपूरा पाषाण काल और जो दूसरा है दूसरे को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं कौन कौन सा, आरंभिक मध्य पाषाण काल तथा प्रारंभिक मध्य पाषाण काल। आरंभिक मध्य पाषाण काल तथा प्रारंभिक मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा है इसे विकसित मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। विकसित मध्य पाषाण काल या आदि नवपाषाण काल भी इसे कहते हैं। आदि नवपाषाण काल कहते हैं। आइए तो हम यहां से बात करें अनुपूरा मध्य पाषाण को उपकरणों के आधार पर उनके मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला अनुपूरा पाषाण काल, दूसरे में दो भाग होते हैं आरंभिक मध्य पाषाण काल तथा प्रारंभिक मध्य पाषाण काल, तीसरा विकसित मध्य पाषाण काल या आदि नवपाषाण काल। देखिए जो पहला अनुपूरा पाषाण काल है ये पूरा पाषाण काल के तुरंत बाद का काल है, तो परिवर्तन कोई भी होता है तो धीरे धीरे होता है। तो इस समय के जो औजार मिले थे वो सुडौल नहीं थे, अजमिति आकार के थे और अपेक्षाकृत लघु पाषाण के आकारों के अपेक्षाकृत बड़े थे। पूरा पाषाण काल के अपेक्षाकृत छोटे थे और मध्य पाषाण काल के अपेक्षाकृत बड़े उपकरण थे। यहाँ से जो देखिए जो इसका जमाव है 20 सेंटीमीटर मोटा है और यहाँ से बड़े लघु पाषाण उपकरण में चौड़े लंबे ब्लेड, कुंठित ब्लेड, पार्श्व बेधक, चंद्रिया इत्यादि प्राप्त हुए हैं। फिर जब आरंभिक मध्य पाषाण काल आता है तो यहाँ से थोड़ा और परिवर्तन होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें अजमित कार्य तो रहता है लेकिन थोड़े से छोटे हो जाते हैं और सुडौल हो जाते हैं यहाँ के औजार। इनके जो मध्य पाषाणिक जमाव मिला है ये 9वें लेयर तथा 8वें लेयर में मिला है। 9वें लेयर में इसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर है तथा 8वें लेयर में इसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से उपकरण जो प्राप्त हुए हैं ब्लेड, चंद्रिका तथा बेधक प्राप्त हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ से जो पहली बार मिलती है, यहाँ पर 3.80 मीटर व्यास की दो झोपड़ियाँ प्राप्त होती हैं, अर्थात मानव जो है घरों में रहने लगा था। उसके बाद अगर प्रारंभिक मध्य पाषाण काल की बात करें तो 7वें से लेकर 4वें लेयर तक को प्रारंभिक मध्य पाषाण काल कहा जाता है और यह 40 सेंटीमीटर मोटा यहाँ का मध्य पाषाणिक जमाव में प्राप्त हुआ है और यहाँ के जो उपकरण प्राप्त हुए थे। देखिए यहाँ से और ज़्यादा परिवर्तन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अब उपकरण ज्यामितिकार सुडौल तथा अच्छे हो रहे हैं। तो ज्यामितिकार लघु पाषाण उपकरण त्रिभुजाकार समलाकार आकार दो दांतेदार ब्लेड, 7वें तथा 6वें जमाव से हमें झोपड़ियाँ मिलती हैं, 7वें जमाव से 3 तथा 6वें जमाव से 2
3 सेंटीमीटर व्यास की झोपड़ी प्राप्त होती तथा हमसे हथौड़े का साक्ष्य मिलता है। विकसित मध्य पाषाण काल की बात करें या आदि नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ से और ज़्यादा विकास होता है। तो या कहें नवपाषाण काल का पढ़ते हैं, यहाँ पे जो उपकरण थे बिल्कुल ज्यामितिकार में थे या ज्यामिति में थे, सुंदर थे, सुडौल थे और अति छोटे, मतलब और ज़्यादा छोटे हो गए थे। तो 3 से लेकर पहले लेयर तक हमें आदि नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। मोटाई 40 सेंटीमीटर इस जमा होगी। यहाँ से मृदभांड प्राप्त होते हैं, हाथों से बनाए गए सुसज्जित तथा अच्छे मृदभांड प्राप्त होते हैं। उपकरणों में से यहाँ चंद्रिका ब्लेड तथा बैठक प्राप्त होते हैं। 13 झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जिसमें 7 अंडाकार तथा 6 गोलाकार हैं और जिनका व्यास 3.50 से 4.5 मीटर तक है। और मध्य पाषाण काल के जो चोपनी मांडों की डेटिंग दी जाती है वो 17,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक दी गई है। इसी के साथ हमारा मध्य पाषाण काल का उत्तरी विंध्य क्षेत्र खत्म हुआ और अब अगले वीडियो में हम गंगा घाटी या गंगा के मैदान का बात करेंगे मध्य पाषाण काल पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सौरभ मिश्रा का नमस्कार।